लो मैं ही खींच देता हूँ। बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। और देखो होती है ना कि यार सबकी ड्रीम होती है थार। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने मैं तेरे। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड पिछले व्लॉग में जैसा कि मैं गोप्रो का कुछ फुटेज वगैरह डाला था, तो आप लोगों को कमेंट करके बोला था कि कुछ फीडबैक दे के जाना, आप लोग से कुछ सीखना है जो गोप्रो यूज करते हैं। तो कमेंट में बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस आया। एंड भाई लोग ने बोला है कि यार कैमरा को थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था। सिर्फ उतना, देखो यार फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियसली बात है उतना अच्छा से नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ धीरे धीरे आप लोग से भी सीख जाऊंगा। कमेंट्स में आप लोग बताते रहना क्या है कैसे है। ये देखो मैं अभी कमेंट रीड कर रहा हूँ, और जिस भाई का कमेंट आया उनका नाम है संजू राव। कैमरा थोड़ा ऊपर रखना भाई, एंड स्पेशल थैंक्स भाई आप बताए। सो इस भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड इन्होंने कमेंट किया है, नाइस ब्लॉग बनाते हो आप, बिग फैन मैं चायबासा से। ठीक है, हम चाहते हैं कि मीटअप रखो आप चायबासा में, बहुत जल्द रखेंगे गाइस। तुम्हारा चायबासा हम कब जाए, कमेंट आ रहा है कि चायबासा में मीट एंड ग्रीट रखे बहुत जल्द, जब बुलाएगा तब। हाँ तो पहले तुम तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। सो गाइस थैंक यू, आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया, बट अभी सिचुएशन ही ऐसा है कि मैं मोटो ब्लॉग करने का बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भले अपने से सुपर बाइक नहीं है तो मैं स्कूटी से ही करूंगा, बट यार हेलमेट की प्रॉब्लम हो गई, और जो मेरे पास ऑलरेडी हेलमेट है उसमें नहीं होगा, आप लोगों को पता है, बट कोई नहीं थोड़ा सा सबर कर लेंगे। तेरे पापा बैठे हुए हैं मस्त, अभी धूप सेक रहे हैं। कल फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग ट्राई किया था, कैसा लगा आपको? मोटो ब्लॉग तो अच्छा ही लगा, खराब नहीं लगा, मगर उसके लिए हर चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए ना। हाँ तो वो धीरे धीरे होंगे ना, फिलहाल तो है नहीं। अगर मिलो आप लोग मेरे जिमी से, एंड बेचारा जब से पवन स्कूल जाता है ये साथ बैठे रहता है कोने में, क्या ही करेगा यार, इसके साथ खेलने के लिए होना चाहिए, बट इसका मालिक तो गया हुआ स्कूल। अभी ब्रेकफास्ट निकाल दिए, आलू भुंजिया और रोटी, और मम्मी भी अभी फिलहाल धूप सेक रही है। हाँ, तो अपना दूध चाय भी आ गया, ये जिमी के लिए दूध आया था, रोटी दूध खाता है ना, तो बट फिर भी थोड़ा सा चाय बन गया। मम्मी मेडिसिन ला दी है। नो सो राइट नाउ अभी मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड के घर, एंड उसको सबसे पहले पिक करूँगा। उसके पास भी एक हेलमेट है, बट दिक्कत इस चीज़ का हो रहा है ना, उसके पास सुपर बाइक का हेलमेट नहीं है, बट उस पर भी अपन ट्राई करेंगे एंड देखते हैं बेस्ट हो। मतलब तलब सी हो गई अब कि यार गोप्रो लगे और बस चलाऊँ। देखो भाई साहब बिल्ली कितने किनारे में आ रखी है, स्कूटी भी पूरा डैमेज हो गया है, पूरा आवाज़ कर रहा है पीछे तरफ। ये जो है ना पतली पतली बेरिंग है ना पीछे पीछे एक तो लगी हुई है, पूरी आवाज कर रही है। ये देखो, अरे यार कम से कम मेरे को जहां तक लग रहा ना चीन माउंट बड़ा हो जाएगा भाई, समझा? इसमें मेरे को लग रहा हो ही जाएगा, वो रबड़ वाला है, मतलब आई मीन उसमें फंसाना है। तो अभी मम्मी जी गई है हरा सब्जी खरीदने, वो देखो जिमी भी निकला हुआ है। भाई साहब भाग ना जाए यार, स्ट्रीट डॉग उसको काट लेगा यार, मम्मी पकड़ भी नहीं पाएगी। जिमी भाई साहब जैसे ही जिमी जैसे ही बाहर चल जाता ना पूरा धक धक हो जाता है यार, क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल होता है। स्ट्रीट डॉग अगर देख लिया तो फिर उसके बाद वो और आगे भाग जाएगा वही लोग की तरफ, और लड़ तो पाएगा नहीं, बट फिर भी उसको जाना है। नीचे चढ़ गई कहाँ वो बताओ, ये देखो उतने ऊपर में चढ़ने की क्या जरूरत है, चाबी यही है। तो अभी मैं आया हूँ ब्लैक पैंथर से चिन माउंट निकालने, ये रांची माउंट का डब्बा। चलो तो चलो अब ट्राई करते हैं हेलमेट में फिट करने का, चिन माउंट गाड़ी पे रह गया था। मम्मी इधर अभी साग साफ कर रही है, और जिमी देखो मुंह लगा रहा है गंदी बात। ओके सो टाइम हो रहा है अभी 10:35, एंड इधर पापा लेटे हुए हैं। ये गोप्रो से शूट हो रहा है पा, आप गोप्रो में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइए? ठीक लग रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है। बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके लगाया हूँ पापा हेलमेट में। चलो ठीक, हाय बोलो, हाय बोलो, चलो हाय, चैनल को सब्सक्राइब करो बोलो। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा, और जल्दी जल्दी पापा के लिए प्रे करो गाइस। खाली पापा का तो अभी ड्रेसिंग चल रहा है, खाली ड्रेसिंग पे ड्रेसिंग। ये देखो एक दिन पहले पूरा अभी नया पट्टी लगा हुआ है, 100 रुपये है पर ये तो है कि नहीं बताइए पहले। पेट्रोल भरवा लेंगे मेरा। ओके सो अभी हम लोग आ गए हैं करंडी में, एंड ये मेन रोड पकड़ लिया हम लोग ने। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सोच रहे ना कि आते हैं रोशन का कॉलेज तरफ से घूम के,
इधर ही एक पास में एलवीएसएम है, तो यहीं पे ये कॉलेज किया था जो सामने ही अभी जस्ट पहुंचने वाले एलवीएसएम। कॉलेज एलवीएसएम कॉलेज करंडी यही है। दीदी हटिए दीदी, साइड साइड दीदी। भाई साहब मजा आ रहा है रवती, बहुत अनएक्सपेक्टेड भाई। तो अभी हम लोग लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं गाइस, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। देखो जो जो हम लोग को दिखा रहा है ना, दलमा हिल ये भी गए हुए हैं यार। ये तो भाई साहब हम लोग इसके जस्ट सामने के रहते हैं, ये भी गए हुए हैं जमशेद। मुलगोकर पार्क ये भी गए हुए हैं। कुक्कू लेक ये भी गए हुए हैं। डिमना लेक ये भी गए हुए हैं भाई। वाइल्ड लाइफ ये भी गए ना। दलमा तो हम गए हैं, चांडिल भी गए हैं, राघरपुर क्या हिल टॉप एक गजब लग रहा है यार। कहाँ है रंगा पहाड़? रंगा पहाड़ गजब लग रहा है। देख 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 डायरेक्शन 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। 35 मिनट हाँ यार ज़्यादा दूर। ये तो गए 35 मिनट दिखा रहा है रंगा पहाड़। हिल टॉप में भी चढ़ेगा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा यार। किधर पड़ रहा है ये, किस तरफ है यार? मेरे को साइड से लग रहा ना। कितने किलोमीटर है? 14 यहाँ पर। फिर ऊपर चढ़ने भी तो है यार। हाँ भाई ऊपर चढ़ेगा तबे ना। ये देखो यहाँ पे टाइम कितने हो रहे हैं अभी? 11:01। ये देखो यहाँ पे कोई सामने वाली, कोई सामने वाली, ये दूर हो जा रही थोड़ा। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है रंकनी मंदिर जाएंगे, 9 किलोमीटर है। फ्यूल भी लेना होगा, देखो बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है गाड़ी पे, तो चलो पहले फ्यूल लेते हैं। पप्पा तो 100 रुपया दिए हैं, उसी 100 रुपया से काम चलाते हैं, नहीं तो फिर देख लेंगे किसी तरह अरेंज करेंगे पैसा का। चलो चलते हैं, अभी लंबा टांगते थोड़ा, ठीक है भाई साहब? यही है अपना सुपर भाई का भी, ठीक है गाइस। सो चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। अभी 40 पे ना, मैं 60 लगभग 65 जाऊँगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टान नहीं सकता, क्योंकि ये अपना ऑलमोस्ट सुपर बाइक तो है नहीं भाई साहब, बट फिर भी इससे आपका भाई कंटिन्यू कर रहा है यार मोटो ब्लॉगिंग। थोड़ा मोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे बट करेंगे। ओके यहाँ से जादूगोड़ा 20 किलोमीटर बता रहा है, मूसा बनी 42 किलोमीटर, हाथा 14 किलोमीटर ये जादूगोड़ा पड़ता है, तो लेफ्ट ले। इधर से आसानी होगा, बहुत दूर पड़ेगा लग रहा है यार मेरे को, बहुत दूर पड़ेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। गाड़ी रोकते फिलहाल, पता करते हैं किधर से जाना सही रहेगा रंकनी मंदिर। बस एकदम सीधा, कहीं मत छोड़िएगा, एकदम सीधा, एकदम पूरा सीधा, एकदम सीधा। यहाँ से आपका जो आपका कम से कम 22-23 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर अंकल। हाँ 9 किलोमीटर दिखा रहा है, उल्टा रास्ता में दिखा रहा है इस साइड में। नहीं नहीं गलत दिखा रहा है आपका, यहाँ से पूरा 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर अभी हम लोग सोचे थे कि जाएंगे रंकनी मंदिर, बट हाँ वो थोड़ा दूर पड़ जा रहा है और फ्यूल भी अभी तक नहीं लिया हूँ यार। सो चलो सबसे पहले अभी फ्यूल भराते हैं, यही अगर पास में अगर पेट्रोल टंकी मिल गया तो अच्छा रहेगा यार, भगवान को थैंकफुल रहूंगा। देखो कुछ नया ट्राई करने का खोज रहा हूँ गाइस। देखो अपने पास तो उतना भी है नहीं ना, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो है वही आप लोग के सामने रख रहा हूँ अभी। जैसे कि कोई अच्छी सी बाइक भी नहीं है अपने पास जो मैं आप लोग को दिखा सकूँ या मैं चला सकूँ। आप लोगों का प्यार की बहुत ज़रूरत है एंड होपफुली आप लोग सपोर्ट करोगे पहले जैसा। क्या कर सकते हो गाइस, अभी घर जाऊँगा तो घर पर क्या ही दिखाऊँगा आप लोग को। मम्मी भी बेचारी, उनका हेल्थ इशू उतना ठीक नहीं है जो उनको बार बार कैमरा के सामने लाऊं। पापा का खुद उनका एक दिन के बाद ड्रेसिंग हो रहा है उनका, तो उनको भी कितना कैमरा के सामने लाऊंगा। ठीक है 100 रुपये का दीदी? नहीं नहीं कैमरा कैमरा, अरे तो आप ही ना बोले तो आपसे बात कर रहे ना अभी तो हैं। ये लो दीदी, चलो ये देखिए, ये छोटा वाला है ना, दिख रहे हैं आप, गला ऊपर करना पड़ रहा है आपके लिए। भाई साहब
देख रहे हो नरवा पुल में एकदम मस्त थार, एकदम नया नया। इसको ऑन रोड कितना पड़ा? 17 लाख 43,000। डीजल है ना। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बस हाँ, जमशेदपुर से नंबर हाँ ले लो। हम लोग का वर्कशॉप है, वहाँ पर आकर चाहे ब्लॉगिंग कर सकते हो तो कर लीजिए। अच्छा जरूर। 9142 9142 0999। नीतीश फिर गजब लग रहा भाई साहब। और नीतीश भैया को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन से भर दो गाइस, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। और देखो होती है ना कि यार सबकी ड्रीम होती है थार, कि मजा बड़ा मजा आ रहा है। हेवी यार दिल नाल लारे की तुलाने वाली है, दिल तेरा जो ना टूटूगा तो मेरे दिल नाल लारे चलो गाइस। अभी हम लोग हैं नरवा पहाड़ में एंड ये तो आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। चला सकता था थार ठीक है, बट दिक्कत इस चीज़ का अभी जस्ट नया नया गाड़ी निकला है। और वैसे तो थार में एक बार भी नहीं चलाया हूँ, किया चलाया हूँ अपना ब्लैक पेंथर वो चलाया हूँ बस। तो अभी हम लोग आए एक मंदिर एंड ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, काफ़ी मस्त शिवलिंग है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। यहाँ कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी नहीं। और यहाँ से व्यू देखो आप लोग, क्या ही प्यारा व्यू है भाई साहब। देख रहे हो पूरे नीचे से आ रखे हैं हम लोग, पूरे नीचे से आए। रात का वक्त है, 10:09 हो गया है एंड मैं घर 6:30 पहुंच गया था ठीक है। अभी जस्ट मैं एडिटिंग कर रहा था मैकबुक में एंड इसमें बहुत ज्यादा मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है ना, सो आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट करना। मतलब मैं इंपोर्ट करता हूँ ना इसमें एक फाइल एडिट करने में GoPro का बहुत टाइम ले लेता, भले वो 2 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो GoPro का, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इनपुट होने में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एंड 6:25 का हुआ है अभी GoPro का, तो फटाफट से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दिया हूँ। बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। जब मैं मैकबुक पे एडिट कर रहा हूँ ना GoPro की वीडियोस वगैरह, कितना अच्छा से मैं बोल ले रहा हूँ उस चीज को, मैं मतलब बहुत प्राउड कर रहा हूँ कि यार मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब इस चीज का। पता है लगता है ना यार मैं पूरा खेल गया हूँ यार GoPro के साथ, पूरा खेल लिया हूँ यार। कहीं भी अब जाऊंगा ना बस एक बात रह गई कि सुपर बाइक की कमी है, बट कोई नहीं, आपका भाई स्कूटी से लेके सफर जाएगा बहुत दूर तक एंड बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब मिक्सअप, एक कभी घर का बना रहा हूँ तो कभी मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो अगर नया चेहरा देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत जल्दी यार बस सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता यार बस सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और खतरनाक। बाय बाय।